नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं और आप एनिमल्स पर क्रूरिटी को रोकना चाहते हैं, उसके लिए आप काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हाल ही में सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है जिसमें जानवर पर क्रूरता को रोकने के लिए सरकार कड़े कानून लाने वाली है। तो ये जो कानून आएंगे, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिवेंशन ऑफ क्रूरिटी एनिमल एक्ट पीसीए एक्ट में संशोधन किया जाएगा, विच इज अ 60-year-old एक्ट। 60 साल पुराना ये एक एक्ट है जिसमें संशोधन किए जाएंगे और काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स लाने का इसमें प्रावधान किया गया है। क्या है पूरी एक्ट, क्या इसमें संशोधन लाए जाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन पीडीएफ्स। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाती है। आप अन अकेडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स 1 PM। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIFE10। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आज आखिरी दिन है फॉर दिस नवंबर ऑफर, जो कि बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप ऑफर है फॉर 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आप 44,000 रुपीज तक बचा सकते हैं अपने किसी भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर। अभी जाइए, एनरोल कीजिए प्लस जीएस प्लस कॉम्बो आइकॉनिक जीएस आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन विद माई कोड NDLIFE10 एंड सेव अप टू 44,000 रुपीज। ना मेरा कोड यूज करने के बेनिफिट ये हैं दोस्तों कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो ना केवल आपको डिस्काउंट मिलता है, बट साथ ही आपको मिलती है मेरी गाइडेंस भी आपकी प्रिपरेशन में। न्यूज देख लेते हैं। फाइनली सरकार एक ड्राफ्ट बिल लेकर आई है जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरिटी टू एनिमल अमेंडमेंट बिल है 2022 का, जो कि अमेंड करेगा 6 दशक पुराने लॉ को, विच वॉज प्रिवेंशन ऑफ क्रूरिटी टू एनिमल एक्ट 1960। इसके बाद से बहुत बार ऐसी बातें हुई, बहुत बार इस बारे में बात की गई, लेकिन फाइनली ये ड्राफ्ट बिल देखा और ये बिल फिलहाल जनता के समक्ष रखा गया है उनसे उनकी जो राय है उसको जानने के लिए। नाउ जो ड्राफ्ट बिल है ये प्रिपेयर किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट बिल आपको बताया पब्लिक के समक्ष रख दिया। पब्लिक कमेंट्स अपेक्षित हैं टिल December 7, 2020। इसके बाद ये बिल प्रॉबेबली इंट्रोड्यूस किया जाएगा या तो विंटर सेशन में या फिर बजट सेशन में, पार्लियामेंट बजट सत्र में। नाउ आर्ग्यूमेंट क्या है फॉर स्ट्रेंथनिंग द लॉ, किस वजह से लॉ लाया जा रहा है? तो हाल ही में सेप्टेम्बर में एक डॉक्टर थे राजस्थान के जोधपुर में, उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने एक कुत्ते को अपनी कार से बांधा और उसको ड्रैग किया क्रॉस। जो डॉग था हैड अ फ्रैक्चर्ड लेग एंड सफर्ड ब्रूज, बहुत ज्यादा चोटें भी आई। इस तरह के ऑफेंस काफी ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं हमारे देश में, और ये जो अगेंस्ट जो सजा है 1960 के एक्ट के अंडर जो प्रावधान है वो थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं अंडर सेक्शन 428 ऑफ IPC मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल्स, सेक्शन 11 ऑफ PCA प्रिवेंशन ऑफ क्रूरिटी एक्ट है, एनिमल्स एक्ट है 1960 का, थ्रेटनिंग एनिमल्स टू, तो इनके आधार पर सजा का प्रावधान। लेकिन सजा काफी मिनिमल है, जैसे पहले टाइम का ऑफेंडर कोई है, कोई जो पहली बार ऐसा अपराध कर रहा है, ऑफेंड कर रहा है, तो पीसी एक्ट के अंडर उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी, 10 से 50 रुपए तक का फाइन। इसके अलावा ये जाना जाता है कि अगर कोई पहली बार वाला ऑफेंडर वो बार बार ऐसा कर रहा है और पिछले 3 सालों में वो ऐसा कई बार कर चुका है, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी कि 25 से 100 रुपए तक का फाइन और 3 महीने तक की जेल हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। तो ये काफी बड़ी पनिशमेंट यहाँ पर नहीं है एग्जिस्टिंग पीसीए एक्ट ऑफ 1960। इसी को बदलाव लाने की जरूरत थी। तो जो प्रपोज अमेंडमेंट्स होंगे इस ड्राफ्ट में वो क्या क्या है, देखिए अभी क्या है, जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के आरोपी होते हैं वो बहुत ही आराम से हल्की सी पेनल्टी देके निकल जाते हैं अंडर द पीसीए एक्ट ऑफ 1960। लेकिन प्रपोज ड्राफ्ट में सरकार ने 61 अमेंडमेंट्स लाने का प्रावधान रखा है, उसके बारे में प्रपोज किया है विद मोर स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, काफी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज यहाँ पर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ड्राफ्ट में बेस्टियलिटी एक क्राइम की तरह रखा जाएगा, इसको एक नई कैटेगरी में डाला गया है ग्रूसम क्रूरिटी की। नाउ बेस्टियलिटी क्या है, ये इसको डिफाइन किया जा सकता है किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। इस तरह की न्यूज भी आपने काफी बार देखी होंगी, सुनी भी होंगी, जहां पर इस तरह की अननेचुरल चीजें की गई हैं, तो इसको भी अब एक क्राइम की तरह नई कैटेगरी में ऐड किया है ग्रूसम क्रूरिटी की। वहीं पर जो ग्रूसम क्रूरिटी है इस सबसेक्शन में उसको डिफाइन किया जा सकता है कोई भी ऐसी एक्ट जहां पे एनिमल्स आर इन्वॉल्व एंड विच लीड्स टू एक्सट्रीम पेन एंड सफरिंग, वो पशुओं को एक्सट्रीम पेन और सफरिंग हो सकती है किसी एक्ट की वजह से, किसी एक्शन की वजह से, और साथ ही उसकी वजह से एनिमल को लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी एक्शन व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा उसको ग्रूसम क्रूरिटी में रखा जाएगा।
इस प्रपोजल में जो प्रपोज बिल है उसमें फाइन का प्रावधान किया गया है, 50,000 से 75,000 तक का फाइन, या फिर कॉस्ट ऑफ द एनिमल, जो भी उस पशु की कॉस्ट है वो, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा वो अमाउंट एज अ फाइन पे करना पड़ेगा। और साथ साथ इसमें सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, 1 साल की, जो अब 3 साल तक बढ़ सकती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति इस तरह के ऑफेंस में लिप्त पाया जाता है, इसका आरोपी पाया जाता है। नाउ फॉर किलिंग एन एनिमल द ड्राफ्ट में प्रपोजेज अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 5 years इन जेल। अगर कोई किसी जानवर को मारता है तो 5 साल तक की उसकी सजा हो सकती है जेल में। ये इसमें प्रपोज किया गया है इस बिल में रिगार्डिंग दी पनिशमेंट्स। वहीं ये बिल प्रपोज करता है एक नया सेक्शन जिसमें 5 फ्रीडम्स दी गई हैं एनिमल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी ये पहल मैं कहूंगी। एंड आई होप एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जाइए उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर जहां पर ये बिल प्रपोज किया गया है, रखा गया है, हमारी सबकी सहमति के लिए, हमारे सबके कमेंट्स के लिए अपने पॉजिटिव कमेंट दीजिए। जल्दी ये बिल पास होना जरूरी है, इसका एक्ट आना जरूरी, ताकि एनिमल क्रूल्टी को रोका जा सके। नाउ अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम्स, ये ड्यूटी होगी हर उस व्यक्ति की, या तो जो इंचार्ज है किसी एनिमल का, मतलब जिनके है, या फिर उसकी केयर में कोई एनिमल है या उसके चार्ज में है, तो एनिमल को कुछ फ्रीडम दी जाएंगी। और ये इंश्योर करना उस व्यक्ति की, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी होगी, क्या क्या, दे शुड द एनिमल शुड हैव फ्रीडम फ्रॉम थर्स्ट हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन। तो उसको प्यासा, भूखा और मैल न्यूट्रिशन वो होना चाहिए पशु या एनिमल। डिस्कम्फर्ट ड्यू टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की वजह से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, ये उसके अधिकार होगा। पेन इंजरी डिजीजेस नहीं होने चाहिए, फियर एंड डिस्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। हमने देखा बहुत बार दिवाली के समय पर, जब दिवाली के समय पर या शादियों में या किसी भी त्योहार पर पटाखे जलते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स डर जाते हैं, तो ये भी उनका राइट है कि उनको डरना, डरने से रोकना है, मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उनके आसपास तो वो डरे, उनकी फ्रीडम है, ये इंश्योर करना है सभी लोगों को, द फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर फॉर द स्पीशीज, और दूसरे स्पीशीज के लिए उनका नॉर्मल बिहेवियर एक्सप्रेस करने की उनको आजादी दी जाएगी। नाउ ये जो प्रपोज लॉ है ये कहता है कि इन केस ऑफ कम्युनिटी एनिमल, जो कम्युनिटी एनिमल है, क्या है कम्युनिटी एनिमल, कोई भी एनिमल जो किसी कम्युनिटी में बॉर्न हुआ है फॉर विच नो ओनरशिप हैज बीन क्लेम्ड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जैसे कई बार हमने देखा है ना, गाँव में या शहरों में देर आर ब्रीड्स, देर आर एनिमल्स जो दे आर बॉर्न एंड दे आर नॉट वाइल्ड एनिमल्स, तो वो एक कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं, उनकी कोई ओनरशिप नहीं है, कोई उनको कहता नहीं कि हमारा एनिमल है ये, तो ऐसे एनिमल्स के लिए भी प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है जैसे कि म्युनिसिपैलिटी या पंचायत, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन कम्युनिटी एनिमल्स को ध्यान रखने की, जैसा कि एक इन अ मैनर डेवलप्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और दी बोर्ड। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट तरीका बताएगी आपको किस तरह से उनका ध्यान रखना है, उनकी फूड का, न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखना है, तो वो कम्युनिटी की जिम्मेदारी होगी, वो लोकल, वो स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड बताएगा, और उसके लिए लोकल गवर्नमेंट जैसे म्युनिसिपैलिटी या पंचायत इसके बारे में ध्यान रखेगी। ठीक है, अब इन कम्युनिटी एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल्स नहीं आएंगे विच आर डिफाइंड अंडर डब्ल्यूपीए 1972। उसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो कम्युनिटी एनिमल्स कहलाए जाएंगे। देखिए, 3 तरह की कैटेगरीज हो गई, वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे कम्युनिटी एनिमल्स, और तीसरे जो पेट्स होते हैं है ना, जो हमारे घरों में होते हैं। तो तीनों कैटेगरीज में ही तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी आई वुड से इन द फ्यूचर, अगर ये एक्ट पास हो जाता है, एंड होपफुली दिस एक्ट शुड गेट पास्ड। नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स अराउंड टाइटनिंग द लॉ, लॉ को टाइटन करने के आसपास के, मतलब जो इस तरह का लॉ आएगा उसको लेके कंसर्न्स क्या हैं। तो जहां एक तरफ काफी कमेंट्स आ रहे हैं टू ड्राफ्ट द बिल, बहुत बार ऐसे कमेंट्स किए गए अलग अलग समय पर, बड़े नेताओं ने भी इसके बारे में बात की है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस, नॉट रेलिवेंट, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सिंपली पनिशमेंट को इंक्रीज करना सफिशेंट नहीं होगा टू स्टॉप क्रूल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। इससे हम एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूल्टी को रोक नहीं पाएंगे, इतना सफिशेंट नहीं है, और इसके लिए मतलब देर आर एंड सम ऑलरेडी मार्जिनाइज कम्युनिटीज, कुछ ऑलरेडी जो वल्नरेबल सेक्शन है मार्जिनाइज कम्युनिटीज है, जैसे मदारीज हैं या फिर सपेराज हैं, वो बेचारे डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट होंगे, ऐसा मानना है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्रूरिटी, जैसे कि फार्मर्स जो इलेक्ट्रिक फेंस लगा देते हैं अपनी खेत के चारों तरफ, ये एक इनकम्प्लीट अप्रोच होगी, और स्टेप्स आर नीडेड टू मिटिगेट द लार्जर इशूज। तो ये कहा जा रहा है कि शायद एक इनकम्प्लीट अप्रोच हो सकती है, और बड़े स्टेप्स लाने की जरूरत है जिससे कि हम एनिमल्स को वैनिश होने से रोक सके, उनके हैबिटेट्स को वैनिश होने से रोक सके। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको खत्म करने की तरफ प्रयासरत होना भी अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा।
ये कुछ पॉइंट्स भी आए हैं यहाँ पर। आपका क्या मानना है इस एक्ट से? आपको क्या लगता है कि क्या ये एक पॉजिटिव कदम होगा टू स्टॉप एनिमल क्रूरिटी द सोसाइटी? यू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, जरूर मुझे बताइएगा आपका क्या टेक है। दोस्तों, आरंभ और एक्सपेडिशन बैचेस शुरू हो चुके हैं, अभी जाकर एनरोल कीजिए। आरंभ में आपको ये सब दिग्गज पढ़ाने वाले हैं, एक्सपेडिशन में आपको ये दिग्गज पढ़ाने वाले हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLIVE10। 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यू हैव टू जस्ट यूज माई कोड NDLIVE10 टू अवेल द बेनिफिट्स। लास्ट माइल विच इज द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पर आप फ्री एनरोलमेंट कर सकते हैं विद माई कोड NDLIVE10 एंड अपने प्रोग्राम अपनी इंटरव्यू की तैयारी को बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हैं। इज नाउ लाइव, तो भी आप जाके कंप्लीट कीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।